कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर लगातार विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विरोध की ये कैसी आग है जो शहर शहर कहर बनकर टूट रही है। आम जनता पत्थरबाज बन गई। वहीं अब मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। योगी का बुलडोजर मामले के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है और जो मास्टरमाइंड है इस कार्रवाई का, उसके घर को ध्वस्त किया जा चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में हिंसा के पीछे किसका षड्यंत्र? पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। योगी राज में हिंसा फैलाने वालों की खैर नहीं, नुकसान की होगी भरपाई, हिंसा पर कड़ी कार्रवाई। 9 जिलों में 13 FIR, 304 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में 3 मुकदमों में 5,450 अज्ञात, 95 नामजद। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़के उपद्रव का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी कनेक्शन सामने आया है। देश भर में जेएनयू से ही CAA और NRC का विरोध शुरू हुआ था। प्रयागराज में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद मास्टरमाइंड जावेद अहमद के पंप और घर पर बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही जावेद अहमद की बेटी जो जेएनयू में पढ़ाई कर रही है, उसकी भी इस मामले में संलिप्तता की आशंका है। पुलिस सारा से भी पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में अब तक 9 जिलों में 13 FIR दर्ज की जा चुकी है और 304 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें इस मामले में सीएम योगी भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, जहां सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है और फील्ड के अधिकारियों को फ्री हैंड कर दिया। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था वो इसीलिए कहा था। पहले से हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पर माइक थे लगे हुए, अवैध रूप से शोरगुल कर रहे थे, उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। लोकतंत्र में अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन भीड़ तंत्र का रोड पर आना, पथराव करना किसी भी मायने में जायज नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दंगाइयों ने ट्रेलर दिखाया, लेकिन योगी ने पूरी फिल्म दिखा दी। वहीं लोकतंत्र में अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है, हर किसी को पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, लेकिन भीड़ तंत्र का रोड पर आना, पथराव करना किसी भी मायने में जायज नहीं है। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।